अस्सलाम वालेकुम। तो आज का वीडियो बन रहा है स्पेशली महविश पठान के लिए। हाँ, महविश पठान कौन है? जो हमारे घर पे रहने आई थी 20 दिन पहले। ये देखो, ये उसका फोटो है इस लड़की का। हाँ, गौर से देखो आप लोग इसको देखो। ये रहने वाली है फिरोजाबाद और घंटाघर कहीं के आसपास। हाँ, एड्रेस अभी हम लोगों को उसका एड्रेस तो नहीं पता है, हम लोग को सीधा मालूम पड़ा है। ये वीडियो जो देख रहा है फिरोजाबाद से, हम रिक्वेस्ट करके बोलते हैं कि इसका जो भी इसके घर वाले देखते हैं, बहुत जन पसंद करते हैं कि हमारी बहुत बड़ी फैन थी, इसने बोली थी, और ये हम लोग को पसंद करती थी, लाइक करती थी, तो इसने बोली कि मैं दीदी आप लोग के पास आऊंगी, मुझे पार्लर का कुछ सिखा दो। तो पहली बात तो मैंने उसको ब्लॉक कर दी, क्योंकि हम लोग ऐसे के ऐसा सब जन है, सबका दिमाग है कि किसी को घर पे रखना नहीं जिसको हम जानते नहीं है। तो हमने भी ऐसे करके उसको ब्लॉक कर दिए थे, इससे बात भी नहीं कहते। ये हम लोग को अननोन नंबर से परेशान करती थी, दीदी प्लीज इसके दादा से, इसके अब्बा से, सबसे हम लोग से बात करवाए, बहुत आजीजी की। उसके बाद हम लोग ने इसको बोला ठीक है तू बम्बई आ जा, हम लोग तेरे को थोड़ा सा कोर्स सिखा के, और तू कहीं भी जॉब कर ले इसके बाद, लेकिन जब तक तो हमारे पास रहे। तो हम लोग ने उसको 15 दिन हुआ हमारे घर पे आई, ब्लॉक में आप देखे होंगे, एक अच्छी मतलब रहती थी, घर का काम कुछ नहीं था, थोड़ा बहुत कर ली और फिर सैलून जाती थी, सैलून से आती थी। वही हमारा था कि हम लोग भी पता है खुले दिल के हैं, बहुत जल्दी हम लोग ट्रस्ट कर लेते जबकि करना भी नहीं चाहिए, तो उसको घर पे रखते थे। लेकिन इसका क्या हुआ, कल हम लोग गए जैसे बर्थडे में, तो वहां से आने के हम रात में 3 बजे ये रिक्शे में थी, तो इसका फोन गिर गया, यानी फोन चोरी हो गया। तो इसको रात में सारा ने बहुत डांटी थी कि तुम्हारा फोन चोरी हो गया, ऐसा वैसा करके बहुत बातचीत हुई। तो हमें टेंशन मत, देखो नया फोन दिला देंगे, जान दे छोड़, एक मतलब एक अच्छा सा उससे रिलेशन बन गया था 15 दिन में। तो आज हम लोग गए थे बाहर, हम लोग को भी नहीं पता, अभी हम लोग आए, हमारी मम्मी ने हमको 8 बजे कॉल करके बोले मगरिब के अजान के टाइम पे, लड़की मैं आंटी बाहर गए कुछ काम के लिए, तो ये लड़की कड़ी लगी हुई थी, ये हमारा आंटी का सोना, क्योंकि आंटी का जो कान के थे 2 कान के चोरी कर ली, जो 1 तोले का था, और जो भी हमारे घर में थोड़ा बहुत सामान था, जैसे हमारी घड़ी हो गई, मेरी वॉच भी वो चोरी करके लेके चले गई और वो भाग गई। तो जिस किसी को भी अगर ये लड़की मिलती है, इसका फोटो देख लो आप लोग, तो हमें कॉल डीएम जरूर करना, क्योंकि ये फिरोजाबाद की है और इसके घर वाले भी हम लोग को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये लड़की, ये गद्दार, ये दिखेंगी तो मेहरबानी करके हमको कॉल करना, बड़ी मेहरबानी होगी, कि घर से इसने चोरी भी की है और दूसरा ये चोरी करके हर चीज लेके भी गई है। मैं आप लोगों को एक चीज बहुत क्लियर बता दूं कि कल जब मैंने इसको चिल्ला रही थी तो ये मेरे ऊपर चिल्लाने के लिए आई, मतलब ये बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी मुझे। 15 दिन से वो ठीक थी, कल से उसका सडनली मूड एकदम चेंज हो गया, तो सारा उसको बहन की तरह ट्रीट कर रही थी कि तेरा फोन गिर गया, तुझे ध्यान रखना चाहिए था, ऐसा वैसा करके। और हम लोग को नहीं मालूम, हमारे घर में वैसी रहती जैसा कि खाना पीना एंजॉय करना हर चीज में, और चोरी इसने की हुई है। अम्मी गए थे ड्राई क्लीन के लिए कपड़े, आंटी के 2 सोने के कान के चोरी कर ली, क्योंकि वो नीचे रखा था। कल हम लोग बर्थडे से आए तो मेरे पूरे डागी ने ऊपर थे और आंटी ने नीचे रखे, तो अपने घर में कौन चोरी करेगा, जाहिर सी बात है। तो ये लड़की घड़ी और सब 2 कान के लेकर गई। बड़ा कान का है, एक सुई धागा जो मेरी मम्मी कान में पहनते हैं वो है, मीनास की जो आप घड़ी देखते होंगे, ये वाली नहीं, गोल्ड वाली, इससे पहले घड़ी पहनती थी मीनास, वो घड़ी चोरी की हुई है। और अम्मी के पूरे आर्टिफिशियल, मतलब आर्टिफिशियल बोला जाएगा तो डायमंड्स के जो आर्टिफिशियल होते हैं वो भी इससे चोरी करके। मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों को पता होगा कि मैंने पिछले साल में अम्मी को सेट दिया था, सेट पूरा, वो वीडियो में भी होगा, आप लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, पूरा सेट और इयर रिंग होगा जो उसपे जो डब्बे में किया हुआ है, वो डब्बे में, पूरा प्रॉपर डब्बे में। तो ये वो सब कुछ लेकर भागी हुई है। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, देखो फिरोजाबाद के जो भी होंगे जो हमारा ये वीडियो, चोर लड़की है, और हम लोग को यही बोली थी, नमाजी परहेजगार हूँ मैं, घर में हमारे 5 टाइम की नमाज पढ़ती थी, हर चीज करते, हम लोग को भी ट्रस्ट हो गया कि हाँ भाई दूर से आई है, गरीब है, तो इंसान उसको सिखा देगा, सिखाने से कोई हुनर तो लेके जाएगा नहीं, पर किसी को रखना नहीं चाहिए, ऐसा बहुत बड़ी गलती हो गई। और हम लोग तो इसको रख ही नहीं रहते, इसको मैंने 1 हफ्ता पहले ही बोली कि भाई तेरा हमारा नहीं जमने वाला, तू एक काम कर, तेरी टिकट निकालते और तू अपने घर चली जा, क्योंकि हम लोग ऐसे तो लोग है नहीं कि तेरे को लाके हम लोग तकलीफ देंगे, ये तो हमारी सोच थी नहीं। और उसको हमने 1 हफ्ता पहले ही बोल दिया तुम्हारे घर पे तुम चले जाओ। बहुत चैप्टर है, मैं तुमको बताती हूँ एक चीज, मैं क्लियर बोल रही हूँ, मैं जल्दी वैसे भी किसी के लिए बोलती नहीं हूँ, ये अगर इसका शौहर अगर ये वीडियो देख रहा है लखनऊ में, शौहर लखनऊ में, मैं एक चीज बोलूंगी, ये लड़की महा महा महा
एंड गाली तो मैं दे नहीं सकती, जो भी आपको समझना है समझो, उसको तो रखना ही नहीं। लड़का आवाज है, हाँ ये फोन में लगी रहती है, ये बेकार है, फालतू लड़की, इस वजह से उसको हम लोग भेज रहे थे। ये रात भर फोन में रहती थी, हम लोग को एक दो दिन उसको सही लगा, हाँ अच्छी है, बहुत अच्छी, हम लोग को भी ट्रस्ट हुआ, बट हमारा ट्रस्ट भी बहुत गलत था। और पहली बात, हमारे घर में हमारे बड़े भी, हम लोग भी नहीं रखते किसी को, हम लोग भी इसको भेज ही रहते कि कैसा किसी को रखना भी नहीं चाहिए। और वो खास हम लोग को ये बोलते कि मैं इंस्टाग्राम से आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। और मेन बात रखने का रीजन ये था कि इससे अपने दादा से हमारी बात करवाई थी, और जिस वक्त और दादा उसके वीडियो कॉल की थी, उस वक्त उसके दादा के हाथ में कुरान शरीफ था, उसके दादा को दिखता नहीं था, और वो मैसेज बताओ ना इंस्टाग्राम के, आपको इंस्टाग्राम के उसके मैसेज बताते हाँ। कि हम लोग को इंस्टाग्राम के थ्रू आई थी हाँ। ये देखो, लेकिन वो एक नंबर की बहन लोग भी उसकी हाँ। बहन लोग भी देखते हैं, तो बहुत अच्छा होगा आप लोग के लिए भी कि आप लोग हमको बता दो, और महवेश को बोलना अगर वो गांव में आ गई तो भाई हमको कॉन्टेक्ट में आ जाए। सारे मैसेजेस है, ये उसके सारे मैसेजेस है, वो हम लोग को मैसेज करती थी, मैंने उसको ब्लॉक कर दी थी। ये देखो बताओ मेरा फोन, ये उसके सारे फोन बताओ ना, सारे मैसेजेस हैं। ये देखो व्हाट्सएप पे मैंने इसको ब्लॉक कर दी थी, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पसंद कि ऐसे अरे गेरों को हम लोग घर में रखे। ये देखो कहाँ है ब्लॉक वाला, निकालो जरा ये वाला उसका, ये उसका नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर। इस बम्बई आने से पहले मैंने उसको ब्लॉक कर दी थी, देखो ब्लॉक हुई। कॉन्टेक्ट नंबर भी बताओ, ये देखो ये उसका कॉन्टेक्ट नंबर, और ये मैंने इसको ब्लॉक कर दी थी, महवेश पठान, क्योंकि मुझे भी इसको नहीं रखना था, बट इसने बहुत परेशान कर दी थी। लेकिन ये दो तीन दिन अच्छे से 7017788292 ये है इस लड़की का नंबर, महवेश पठान नाम है इसका। और ये देखो मिनाज ने भी इसको ब्लॉक कर दी थी, क्योंकि हमको रखना ही नहीं था, उसको तो बुलाने ही नहीं था। है लड़की की, ये उस लड़की की फोटो है, आप हमारे व्लॉग्स में भी देख सकते हो, ये उस लड़की की फोटो है। जिस किसी को भी 15 दिन में से फुल प्लान करके ये लड़की भागी है, अम्मी का पूरा सोना लेके, घड़ी लेके। आप लोगों को पता है कि ऊपर हमारा पूरा कलेक्शन है घड़ियों का, अब अपने घर में तो कोई सारी चीजें बंद करके रखता नहीं है, वो लेकर भागी है। अब अल्लाह जाने, अब हम लोग देखेंगे कि हमारे कुछ पैसे रखे हुए हैं या कुछ और रखा हुआ है, कहीं उसमें से कुछ ना लेके गई, अल्लाह ना करे, सारी चीजें हैं तो हम लोग एक बार देखेंगे। आप जो भी हो, देखो फिरोजाबाद से जितने भी हमारे वीडियोज देखते हैं, प्लीज बहुत ज्यादा अम्मी का सोना लेकर भागी है वो, तो आप लोग प्लीज जो भी इंस्टाग्राम पे वीडियो देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो, हमें जल्द से जल्द कांटेक्ट करो। उस महवेश पठान का नंबर या नाम या उसके कोई भी घर वाले हो, कांटेक्ट करो, अदरवाइज हम यहाँ से FIR करेंगे, तो आपके घर पे पुलिस भी आएगी और हम खुद लेकर आएंगे हाँ, हम खुद और आएंगे। हम आने वाले हैं हाँ, ये भी आप हाँ। सोच लो, तो देख लो जो भी है, जितनी जल्दी हो सके। और अब तुम जितना भी झूठ बोलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और क्लियरली है यार। लेकिन ऐसे लोग पे ना बोलते ना, ऐसे लोग पे तो भरोसा नहीं करना चाहिए, हमने वो बड़ी गलती करे भरोसा करके। आज हमारी माँ 2 घंटे से रो रही है, हम लोग को भी नहीं अच्छा लगा, तो प्लीज हम लोग को सपोर्ट करो, प्लीज प्लीज प्लीज, फिरोजाबाद हो जाए या बम्बई से भी जो कोई जानता होगा तो मेहरबानी करके ट्रेन में देखा हो या प्लीज कॉन्टेक्ट करो, प्लीज प्लीज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।